रणवीर कपूर और आलिया के साथ बनारस में एक्टर नागार्जुन और मौनी रॉय भी नजर आए। शूटिंग के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रह्मास्त्र के स्टार्स ने बनारस के अपने अनुभव को साझा किया। स्थानीय रिपोर्ट्स की माने तो रणवीर कपूर ने बनारस में बदलाव को लेकर कहा, बनारस बहुत बदल गया है, कचरा हटा है, गंगा साफ हुई है, इसका क्रेडिट मोदी जी को देना पड़ेगा। मोदी जी के लिए बहुत प्यार है जो मुंबई में देखने को नहीं मिलता। उनके प्रति लोगों में भावनात्मक प्रेम भी है जो मुंबई में बैठकर नहीं समझा जा सकता। बात ही करो, जब नाग सर पहली बार आए थे बनारस शूटिंग से, उन्होंने खुद मुझे कहा था कि इतना चेंज बनारस में आया है कि पहले वो जो 15 साल या 10 साल पहले यहाँ शूट उन्होंने किया तो बहुत कचरा था, बहुत सारी चीज़ें थी, अभी बनारस इतना साफ हो गया है, जो गंगा है वो इतना साफ हो गया है। एंड आई थिंक हमें मोदी जी को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जो स्वच्छ भारत का ध्यान दिया है। और एक और खास बात बनारस में ये देखिए, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं और हम लोगों से बात करते हैं, यहाँ मोदी जी के लिए बहुत प्यार है, आई थिंक जेन्युइन प्यार है, और वो जेन्युइन प्यार हमें ज़्यादातर बॉम्बे में नहीं दिखता, हम इंडस्ट्री वालों को खास तरह नहीं दिखता, बट आई थिंक यहाँ की एक समझ आई है कि यहाँ एक्चुअल सपोर्ट जो है जो मोदी जी के लिए बहुत बहुत सख्त है। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से सांसद है। आलिया भट्ट ने बनारस में शूटिंग के अपने अनुभव को लेकर कहा, हम कल्चर में घुस गए हैं और पूरी तरीके से बस गए हैं। यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है, हम लस्सी पी रहे हैं, चाट खा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी किया